हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो अभी अभी आपके लिए एक बढ़िया न्यूज़ आई है, जिसका इंतज़ार आप रिजल्ट के बाद से कर रहे थे कि आप ये जानना चाह रहे थे कि कितनी कट ऑफ है इस बार जो CSR नेट की गई है। तो आप देख सकते हैं CSR की, अगर आप वेबसाइट खोलेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट हो गया है कट ऑफ का। तो अब आपको पता लग जाएगी कितनी कट ऑफ है जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के आई है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो आप देखेंगे सबसे पहले केमिकल साइंस ही दे रखा है, तो जनरल में जो कट ऑफ है वो 52.75 आई है। तो कहने का मतलब है ये जो कट ऑफ है आपकी 105, हाँ 105.5 बनी है। और EWS में आपकी जो कट ऑफ है 46.250 है, यानी जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 92.5 बनी है। और OBC में जो कट ऑफ है 45.50 है, तो यानी जो आपकी कट ऑफ है 91 बनी है OBC में। और ये मैं GRF के लिए बता रहा हूँ, और SC कैटेगरी के लिए आप कट ऑफ देख सकते हैं 72.50 बनी है। और ST के लिए कट ऑफ आपकी 54.5 बनी है, और PW के लिए ओनली 50। तो यानी अगर आपके इतने मार्क्स थे तो आपका GRF हो चुका था। तो अगर आप देखें तो जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो 106 से 108 के बीच थी, तो कट ऑफ जो आपकी 105.5 आई है, तो कहीं ना कहीं लगभग करीब हम इसके पहुंचे हैं। तो आई होप अब आपके डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि कितनी कट ऑफ इस बार गई है और कितने मार्क्स से आप रह गए हैं या कितने मार्क्स आप ऊपर लाए हैं। तो जिनका हो गया उनको फिर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा, और जिनका नहीं हुआ है मैं उनको यही कहूँगा कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। और होप आपके साथ अगली बार बहुत अच्छा हो। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।